हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत श्री जमवा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की सीरीज का पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर हम देखेंगे 21 से लेकर 25 तक के सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी के रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूल ऑफ 21 क्या कहता है। तो क्या हम 21 को 3 × 7 लिख सकते हैं? इसका मतलब होगा कि 21 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा उसको 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 7 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। मैंने इसी चीज को यहां भी नोट कर लिया है कि अगर कोई नंबर 21 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसको 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 7 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। 3 के लिए हम कैसे चेक करते हैं कि सभी डिजिट्स के सम का सम करके देखते हैं, यानी सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, अंकों का योग करके देखते हैं। अगर वो योग 3 से डिविजिबल आता है तो हम बोल देंगे कि वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी, यानी कि उसमें 3 का भाग जाएगा। और रूल नंबर 7 के लिए जो रूल है मैंने पार्ट 2 में कवर किया है। अब पार्ट 1 से लेके 4 तक को के सभी पार्ट्स को एक बार जरूर देख लेना, जिससे कि आपको 1 से लेके 20 तक के सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल पहले से याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि आगे के सभी नंबर्स में कहीं ना कहीं उनका यूज होता रहता है। तो पार्ट 2 के अंदर आप जाके देख लेना 7 का रूल क्या कहता है। मैं यहाँ पे फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा कि भाई कैसे यूज करना है इसको। तो देखते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले 3 के लिए कैसे चेक करें, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, अर्थात इसके सभी अंकों का योग निकाल कर देखते हैं वो कितना आएगा। 1 + 1 = 2, 2 + 9 = 9, 9 + 5 कितना होगा, 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? 15 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से तो डिविजिबल होगा। अब 7 के लिए कैसे चेक करते हैं वो ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, जो वंस डिजिट है इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, ये कितना आएगा, 12 आएगा। इस 12 को बाकी के सभी पूरे बचे हुए नंबर में से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो बाकी का कितना बच गया, 117। तो 117 में से कितना हुआ, 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 105। यही स्टेप वापस से रिपीट करनी है। तो क्या होगा, 5 का डबल किया कितना आया, 10 आया। 10 को बाकी का बचा हुआ पार्ट यानी कि 10 में से 10 माइनस किया तो कितना मिला, लास्ट में 0 मिला। तो क्या हम 0 को 7 से डिविजिबल कर सकते हैं? हाँ, मतलब 0 7 से डिविजिबल होता है, 0 टाइम डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 21 भी होगा। अब हम देखते हैं रूल ऑफ 21 क्या कहता है। तो देखो क्या हम 22 क्या कहता है। रूल ऑफ 22 को देखने के लिए हम देखते हैं कि क्या 22 को हम 2 × 11 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई नंबर 22 से डिविजिबल होगा इसको 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 11 को भी डिविजिबल होना पड़ेगा। यहाँ ये इसी चीज़ को मैंने यहाँ भी नोट कर दिया है। अब 2 के लिए कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, इसके लिए हम नंबर का चेक करते हैं, नंबर इवन है या ओड है। अगर नंबर इवन है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 11 के लिए कैसे चेक करते हैं, ये मैंने पार्ट 3 में कवर किया है, आप जाके पार्ट 3 में देख सकते हैं। वहां पे आपको 11 को पूरा डिटेल में मैंने एग्जांपल्स के द्वारा समझाया। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, यानी विषम स्थान पे जो अंक आएंगे उसका सबका जोड़ करेंगे। अभी विषम स्थान क्या होता है मैं अभी यहाँ भी बता दूंगा आपको। और इसी तरीके से जो सम स्थानों पर अंकों का योग करेंगे, जो भी डिजिट्स आएंगे इवन प्लेसेस पे उनको जोड़ेंगे, उन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, यानी कि यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटे को, और उसको 11 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 11 से डिविजिबल है तो हम बोल देंगे कि वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो देखो इस एग्जांपल को समझते हैं। तो पहले तो 2 के लिए चेक करते हैं, तो ये नंबर क्या है, इवन है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 तो होगा। अब क्या करना है, 11 के लिए चेक करना है। तो देखो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन कौन से नंबर पे, ये 1 नंबर पे आ रही है और ये 3 नंबर पे आ रही है। तो ये जो दोनों पोजीशन है ये कौन से प्लेस कहलाते हैं, ओड प्लेस, अर्थात विषम वाले स्थान कहलाते हैं, ठीक है। और ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन कौन से नंबर पे है, 2 और 4 नंबर पे। तो ये पोजीशन कहलाती है इवन नंबर वाली पोजीशन, यानी कि सम स्थान वाली जगह कहलाती है। तो हम इनका क्या करेंगे, इसके ऊपर आने वाली जो डिजिट्स है, तो देखो ओड नंबर वाली पोजीशन पे कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है और एक 8 आ रहा है। तो 2 + 8 का सम कर लिया हमने, कितना आया, 10 आया। इसी तरीके से इवन प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं वो कितने हैं, एक तो 7 है और एक
थ्री है, इनका भी क्या कर लेंगे सम कर लेंगे, तो थ्री प्लस सेवन ये भी कितना आ रहा है टेन। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो टेन माइनस टेन करेंगे तो कितना आएगा जीरो आएगा। तो क्या जीरो इलेवन से डिविजिबल है, हाँ जीरो को हम जीरो टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है दो और ग्यारह दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 22 से भी डिविजिबल होगा। अब देखते हैं रूल ऑफ 23 क्या कहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एड थ्री टाइम्स द लास्ट टू डिजिट्स टू द रेस्ट, इसका मतलब है कि लास्ट के जो दो डिजिट्स होंगे इसका तीन गुना करना है और बाकी का बचा हुआ जो नंबर है उसके अंदर हम इसको एड कर देंगे। तो देखो 17 है, 17 तो बाकी का बचा हुआ नंबर है, लास्ट के दो डिजिट्स कौन से 25, 25 का हमने थ्री टाइम किया वो कितना आया 75, 75 को बाकी बचे हुए नंबर यानी कि 17 के अंदर प्लस किया तो 92 आया, और 23 की टेबल में 92 फोर टाइम में आता है, तो हम बोल देंगे कि ये नंबर क्या होगा, पूरा नंबर 23 से डिविजिबल होगा। ध्यान रखना क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट से जो नंबर बनेगा उसका तीन गुना करना है और बाकी का बचा हुआ जो नंबर होगा उसके अंदर उसको ऐड कर दो और फिर चेक करके देखो कि व्हाट वो वाला नंबर क्या है 23 से डिविजिबल है या नहीं है। अब देखते हैं रूल ऑफ 24 क्या कहता है। रूल ऑफ 24 को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या 24 को हम 3 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं। 24 को हम 3 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल होगा उसको 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 8 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो 3 के लिए हम क्या करें, इसी चीज को मैंने यहां भी नोट कर दिया है। तो 3 के लिए कैसे चेक करते हैं कि जो नंबर होगा उसके सभी नंबर्स का जो डिजिट्स है उनका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि उसके सभी अंकों का योग करके देखेंगे, उस योग के अंदर 3 का भाग देके देखेंगे, अगर उसके योग में 3 का भाग जा रहा है तो हम बोल देंगे उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब 8 के लिए क्या रूल होता है ये मैंने पार्ट नंबर 2 में कवर किया, आप जाके देख लेना पूरा अच्छे से डिटेल में, 2-3 रूल्स और बताए इसके वो भी वहां जाके समझ लेना, मैंने यहाँ बताया है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए क्या चेक करते हैं, हम सैकड़े वाला डिजिट चेक करते हैं, यानी कि जो हंड्रेड्स प्लेस पे जो अंक आएगा उसको हम चेक करेंगे। वो अगर इवन है, ध्यान से समझना, वो अगर क्या है इवन है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के दो ही डिजिट्स को चेक करके देखते हैं, अगर वो लास्ट के दो डिजिट्स में 8 का भाग जा रहा है तो हम बोल देंगे उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर यही संख्या क्या होती ओड होती, यानी कि जो सैकड़े वाला जगह है यानी हंड्रेड्स प्लेस है उस जगह पे अगर ओड आ रहा होता तो हम क्या करते हैं लास्ट के दो डिजिट्स में 4 प्लस करके देखते और फिर उस नंबर को क्या करते हैं 8 से डिवाइड करके देखते हैं। ये रूल नंबर 2 के मैंने पार्ट नंबर 2 में कवर किया, आप वहां जाके अच्छे से समझ सकते हो। तो यहां देखो हमने क्या किया, पहले सैकड़े वाले डिजिट को देखा यानी कि हंड्रेड्स प्लस वाले डिजिट को देखा, वो कितना है इवन आ रहा है सम आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे लास्ट के दो ही डिजिट्स को चेक करके देखेंगे तो वो कितना आ रहा है 8 है, तो 8 क्या 8 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये नंबर पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, यानी कि इसके अंदर 8 का भाग जाएगा। 3 के लिए कैसे चेक करते हैं, इसके सभी डिजिट्स का सम निकालो, मतलब सभी अंकों का योग करके देखो, को देखो 4 प्लस 0 कितना होगा 4, 4 प्लस 8 कितना होगा 12, 12 के अंदर 3 का डिवाइड होता है तो हम बोल देंगे कि ये नंबर क्या है 3 से भी डिविजिबल है, यानी ये नंबर 3 और 8 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब हुआ कि ये पूरा नंबर क्या होगा 24 से भी डिविजिबल होगा। देखो 25 का भी एक रूल हम होता है जो भी मैं हम देख लेते हैं, लास्ट रूल है हमारे इस पार्ट का। इसके अंदर क्या होगा, हम केवल लास्ट के दो डिजिट्स को चेक करेंगे, अगर लास्ट के दो डिजिट इनमें से कोई आ रहे हैं 00 या फिर 25 या 50 या फिर 75, इनमें से कोई डिजिट आ रहा है लास्ट के अंदर तो हम बोल देंगे कि वो नंबर क्या होगा 25 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 25 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो मैंने कुछ 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, चारों एग्जांपल्स में देखो इसके लास्ट में के दो डिजिट्स वो 00 आ रहे हैं, इसका मतलब इनमें से कोई आ रहा है यानी ये भी डिविजिबल होगा 25 से, और इसके लास्ट में 25 आ रहा है तो ये भी डिविजिबल होगा, इसके लास्ट में 50 आ रहा है तो ये भी डिविजिबल होगा, और इसके लास्ट में 75 आ रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा 25 से डिविजिबल होगा। तो आज के पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने 21 से लेके 25 तक के सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स को कवर किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसको वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।